अभी यहाँ स्प्रे मारी, वैसे तो निकाल के भी डायरेक्ट औरत देखो जस्ट शट अप यू बोली ना अवन का ना जानू कुछ और सोचो अवन का तेरे मरी आया आया रमजान का और आप सभी को चांद मुबारक रमजान बहुत चीज लग गई है। ये कलर बाद में मारूंगा क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, वेलकम हो गया शफीक आसिफा व्लॉग में। और आज चल रही है सफाई, वैसे तो मुझे पता है सफाई करके कोई फायदा नहीं है। ये देखो कल यहाँ पे क्लीन करी थी और आज वहाँ का मुंह देखो, वहाँ पे चीजें कैसा भरी पड़ी है। ये सिर्फ मुझे गुस्सा दिला सकते हैं और कुछ नहीं, मैं परेशान हो गई हूँ साफ कर कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम हो गया आप लोग का शफीक आसिफा व्लॉग में। गाइस गुस्सा दिलाना भी एक टैलेंट है, कला है, एक आर्ट है। लो जाए लो क्या मत कला है गला है, ये सब नहीं करो मेरे साथ। मेरी हट रही ना इतनी इनके ऊपर बोल बोल के थक जाइए, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऊपर से और गुस्सा दिला रहे बैठ के मुझको। देखो इनको चीजें तो लाते हैं, ये इनकी डाइट है, देखो तो होनी वाला डाइट औरत देखो और जस्ट शट अप यू। औरत बनाकर देती नहीं, लाला के चीज रखते हो खाने, दो दिन में खाली तुम्हारा मन भर जाता है इन सब चीजों से और बैठ के एक्टिंग करते हो। आधा परेशान तो इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा करके रखे, उमेर से भी ज्यादा, उमेर से ज्यादा ये करते परेशान मैं। और खबरदार मेरी बीवी को भी बोला था, खबरदार के खबरदार के खबरदार के खबरदार खबरदार। खाना तो मेरा पूछ दिया तूने? नहीं अभी वहाँ पहुंची नहीं हूँ अभी। बताओ ना जरा मुंह तुम्हारा, दवाइयाँ मार रही हूँ मैं, मार दूंगी ही बोल रही हूँ, मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना। जानू ये वो वाली बोतल तो ठीक है, वो तो खरीद के लाए हुए हैं पानी के लिए। ये बोतलें मत जमा रखो, रखना भी एक आध फ्रिज में रखो कभी मेहमान आते बड़े के लिए। और बोली हाँ लाने का है, ये इसी की वजह से मेरे को लग रहा है ये पुरानी चीजों से बना हुआ है ना, इसीलिए झिंगुर आके जम रहा है। मेरे को नहीं चलेगा मालूम, झिंगुर पिंगुर मार दूंगी, जान से मार दूंगी। डब्बे के अंदर, थैली के अंदर मारो, फेंको, सब दूंगी साफ करूंगी, मेरे को नहीं चलेगा रोज रोज थोड़ी। ये देखो लो लो लो, अल्लाह रुको हाथ पर हाथ गिरेगा, मारो उसके अंदर, उसको मारने में कहीं तो अरे अरे छोड़ो उसको, उठाओ बाद में, पहले तो मारो। थैली के अंदर देखो, देखो कितने हो गए, मैं तुमको पहली बोली पनौती जैसे होते ये वाले, एक आते है ना तो बहुत आते। देखो देखो पड़ते पे, देखो मार दिया उसको, मार दिया और आ जाएगा थोड़ी देर में, उसको नीचे जा रहा है। रे रे गीला तड़पड़ आ गया है तो आज पूरा क्लीन करके हटाना है और इनको मार भगाना है। खैर कोई नहीं, ये एक्चुअली बीच में ऐसी बाहर से एक दो, एक दो आ रहा था, एक दो आते 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 बहुत हो गए वो एरिया पे। कैसा ये चीजें जो है अभी निकाले, अवन के सामान है जो आधे से ज्यादा यूज में नहीं आते, मतलब दूध गर्म करने का। एक मिनट, ये जानू ला करके यहाँ रख दिए, सब जगह चेक कर रहे अभी कहीं कुछ है तो नहीं, है कि नहीं, अच्छा है नहीं तो एक भी रहेगा तो एक से फिर हो जाएंगे वो सैकड़ों। ये हटा दिए किचन, कितना मस्त हो गया, पूरा खाली हो गया, इतना अच्छा लग रहा है ऐसा खाली किचन, कुछ और वहाँ रखने का सोच सकते। मैं बोली ना अवन का ना जानू कुछ और सोचो, अवन का, अवन कहीं और लगाओ, घर में ऐसी कौन सी जगह रख लो, रख लो, रख लो। मैं क्या बोलती हूँ अवन का, क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उधर ऊपर नहीं आएगा ना उसपे, अगर वो पत्थर पे आता होता ना तो उसके आगे एक ऐसा चौड़ा पत्थर लाके उस पे रख देते। टेढ़े में या आड़े में या कुछ ऐसा कुछ तो सोचना पड़ेगा जानू आज के आज। देखते हैं कहाँ लगाऊं, वही सोच रही हूँ कि अवन कहाँ रखूं, फ्रिज के ऊपर नहीं रख सकती, फ्रिज के ऊपर नहीं रखूंगी क्योंकि फ्रिज मुझे खराब नहीं करनी है। ठीक है तो अपने को कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और वहाँ जानू निकाल रहे हैं गैस ताकि मैं इसको धोऊं, अब मैं धोती हूँ उसको फटफट में। जो कैसा देख रहे सुन रहे, पानी मत डाल देना उसमें, तो ये आसपास देखो क्या हो रही है, सब धुलेगा नहीं ना इसलिए, और सब धुले हुए इसते अभी यहाँ स्प्रे मारी, वैसे तो निकाल के तो यूज करूंगी इस धो करके ही, बट फिर भी मैं पानी से मार देती हूँ एक बार। हाँ क्योंकि वो स्टैंड फिक्स है, चम्मच तो अभी लगाए जस्ट, पर ये है सब चकाचक हो गया है
और सारे पसारे बाहर आ चुके हैं। अब इसका जुगाड़ करना है, कुछ क्या करें वही सोच रहे हैं। और रमजान के लिए खजूर भी आ गया है, आसिफा की भाभी ने दिए। सब्जी वाली वाल दो दिन अच्छा मस्त क्लीन हो गया है, सही नाइस। अभी कांच का भी खाली, ये कांच गंदा होता रहता क्योंकि यहाँ पे काम आते पर काम करती रहती तो उड़ता रहता ना इसके वजह से, वो फायदे का नहीं, उम्र होने में खराब होता। हाँ बस बस। और गाइस मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरी ब्लॉग रोज़ लेट हो रहा है क्योंकि नेट की वजह से। देखो अभी भी बच गया 3, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कम से 1:30 बजे से तो अपलोड पे ही है तो बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं वाईफाई का प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम है, अगर मोबाइल अपना ध्यान हट गया, अगर मोबाइल लॉक हो जाता ना तो वीडियो अपलोड ही नहीं होती, जितना परसेंट पे पड़ा रहता है उतना ही पड़ा रहता है। तो उसके लिए मोबाइल का ब्राइटनेस ऑन, मतलब मोबाइल लॉक ना हो उसके लिए मुझे पूरा ऑन करके यूट्यूब कोई भी वीडियो चालू करके रखना पड़ता है। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कभी 4 बज जाता है, कभी 5 बज जाता है, तो आज 3:30 बज चुका है, अभी भी प्रोसेस पे चल ही रहा है। तो उसके लिए सॉरी गाइस इसके लिए। और आज चांद रात है, आप सभी को रमज़ान बहुत अच्छे जाए आप लोगों का। हम चाहते हैं सबके रोज़े अच्छे जाए, हमारे भी अच्छे जाए, और सब रोज़े रखें, नमाज पढ़े, दुआ करें एक दूसरे के लिए, है कि नहीं। इबादत का महीना है, इबादत का महीना है, है ना। तो सारी जो भी है, जिनको भी जिससे भी शिकायत है वो शिकायत दूर करें और अपनों में प्यार बांटें, है कि नहीं। आज वही है, वो उसके अंदर डाले डालने का क्या लगा डाले जब तक वो सूखेगा। तो सबसे डिफिकल्ट यही है गाइस, तो आप लोग भी अपने घर में सब लगाओ तो वेरी केयरफुल, बिकॉज अच्छे से घुसाओ उसको, अच्छे से घुसाओ पूरा। अब क्या आप आ कर दोगे? कर दो समझे, अभी मेरे को क्लासेस भी जाने का है आज। हाँ, आज दूसरे 4 बच्चियों का सर्टिफिकेट डे है और मेरा नहीं क्योंकि मैं न्यू हूँ। उस दिन वो दीदी ने तुरला से फोन की, वहाँ से फोन किया भयंदर के किधर रहते, क्या हाँ भयंदर के किधर तो रहते बोले, मैं बोले आती हूँ, बोले भाभी टेंशन मत लो आप, और रात को यहाँ से चली जाऊंगी मेरी मम्मी के यहाँ पे गोवंडी, वहाँ से मेरे हस्बैंड वहीं जॉब करते, वहीं पर उनकी खुद की दुकान है, वहाँ से लेके मुझे घर चले बेलापुर। हाँ, दूर से आई, बोल रही थी मैसेज, तो मैंने उनको मना किया, और कुल्ला से भी बट लव यू, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया के मतलब आपने मेरे लिए इतना सोचा, बट मैं भी आपके लिए सोचूंगी ना, क्योंकि इतने दूर से आना, आपका गाड़ी भाड़ा खिलाऊं पिलाऊं सब दूं, आपको गाड़ी भाड़ा भी दूं, लेकिन आपके साथ यहाँ से जाने के लिए आप रात के टाइमिंग पे एक अकेली औरत हो जाते हो, क्योंकि कैसा है ना, मेकअप खत्म होते होते 11 ऑलमोस्ट बज जाता है, और आज का जमाना भी वैसे भी सही नहीं है, ये चीज है। तो इसीलिए मतलब मेरा दिल वो होगा कि नहीं भाई इतने रात को मैं नहीं भेजूँ एक अकेली औरत को। भी मेरी भांजी को जिन गोरेगांव से बुलाई थी तो उसको हम लोग स्पेशली अपना बाइक पे साथ जाके छोड़ कर आए, क्योंकि बाजू में ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी उतना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने उनको मना करी। और 2-3 लोग थे, उन लोग भी बोले तो उन लोग भी कुर्ला वाले थे, तो मैंने फिर मना किया उन लोगों को भी। थैंक यू सो मच आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। आप लोग दुआ करो, मेरा मेकअप तो माशाल्लाह अभी अच्छा हो ही गया है आप लोगों की दुआओं से, और साथ ही साथ मेरा भी इंशाल्लाह सर्टिफिकेट डे अभी नज़दीक आने वाला है। बस 3 लुक है जो मुझे देना है, मुझे 3 मॉडल मिलेगी, 3 मॉडल मिलेगी, 3 लुक दे दूंगी ना मैं, ख़त्म, फिर मेरा भी सर्टिफिकेट हो जाएगा। हो जाता था बट टाइम बहुत वेस्ट हुआ, कोई नहीं। अभी हम लोग कर रहे क्लीनिंग, आज यहाँ की हो रही है सब, ये हटाने का सोच रही हूँ यार, ये मेरे को बहुत अड़ता है वहाँ पे, फर्स्ट डे से ही अड़ता है, पर पहले एडजस्ट कर लिए, अब जब से मैंने कॉकरोच देख ली हूँ ना, अब मेरे लिमिट क्रॉस हो गया है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा ये उतारेंगे नीचे, ये पूरा साफ करी हूँ। अरे तो कागज निकाल देता ना, कागज नहीं, कागज मैंने रखी हूँ, जो फटा वो मैंने हटा दी, जो अच्छा है वो मैंने रहने दी जानू। अरे वो सही है, जो सही है वो मैं रहने दी, पूरा उस दिन वहाँ क्लीन करी, मैंने वीडियो बनाई थी ना, मैंने पूरा वहाँ पे पोछी, अच्छा पूरा दवा मारी, पूरा सब बाटलियाँ पोछी, सब एकदम वहाँ पे मैंने एकदम सेट करके अच्छे से रखा, भर भर के सब राशन आशन,
कैसा बोलते हैं तो आप लोग यार गाइस, प्यार सपोर्ट बनाए रखे हैं, हमें प्यार सपोर्ट देते हैं। और देखिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, इनका छोड़ो यार, ये तो ऐसे बोलते रहते। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, उस दिन आपको जाके शबनम को लेने गए थे, कितना दिन हुआ है? 7 दिन हुआ है, 7 दिन हुआ है। देखो उस दिन साफ करी थी, और ये देखो आज फिर देखो, ये देखो। तो ये प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा कि झूठ बोल रही रहेगी, पता नहीं कब से करी नहीं होगी और बता भी रही। देखो 7 दिन में ये हाल है यहाँ का, मतलब यहाँ पे बहुत धूल आती है, पता नहीं कैसे, बहुत आती है, बहुत ज्यादा। उसका तो हालत ही खराब हो गई है, मेरा हाथ उस तक पे नहीं जाता है, उस पे जानू का ही हाथ जाएगा, यही कर सकते उधर चढ़ के, क्योंकि इनके हाथ लंबे हैं। हम निकल चुके हैं क्लास के लिए, जो इनका क्लास है आज, क्या है आज, जो भी है लास्ट डे जो कुछ लोगों का, तो हाँ सर्टिफिकेट डे है, तो अभी जा रहे हैं उनको छोड़ने, फिर आना है मेरे को लेकर। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने जानू की बहुत मजे ली थी, जानू की कैचुली निकलेगी, यहाँ मेरी कैचुली निकल रही है इतनी ज्यादा, मेरी भी निकल गई, निकल गई, चलो मेरे को मार दो, तुम्हारी भी निकल रही है, हाँ थोड़ी थोड़ी, आई वांट मास, आई वांट मास, बेबी मास, मास मम्मा मास, फिर से बोलो बोले आप लोग, सोचते हो यहाँ क्यों दिख रहा है, यहाँ मिरर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ मिरर में देखते हैं। जानू के लिए चैलेंज है कि जानू को पूरी के साथ में, पूरी में थम्स अप डाल के खाने का है, तो देखते खा पाएंगे। ये चैलेंज है जानू के लिए। अरे बाप रे, ऑसम, अरे अच्छी लग रही है, मिठास आ रही है उसमें, मालूम इतनी अच्छी मिठास आ रही है, जल्दी रुको, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तुम लोग क्या मांग रहे हो, वड़ा पाव की चटनी खा रहे चटनी, तुम लोग क्या देख रहे हो, ली चलती गाड़ी पे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, नहीं मारी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर पे फटाफट, अभी जो बचा कुचा काम है वो काम निपटाएंगे हम, है ना, और आप सभी को रमजान का मुबारक हो, और आप सभी को चांद मुबारक, हाँ, रमजान मुबारक, वैसे मैंने बोली शायद, हाँ, तो आप भी सब दुआ में याद रखें, हम भी आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, है कि नहीं आदिबा, और कुछ बोलेंगे फटाफट? यही बोलूंगी कि जानबूझ के मुझको लेट कर रहे, काम तो मेरे को करने का है, तो हाँ, अभी तो आप बज रहा है, अपना टाइम ये अपने काम मेरे, नहीं नहीं अभी 8 बज रहा है, अभी तुम अपना काम करो, मैं जाऊंगा नमाज अभी, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, हाँ घर साफ करने का, हाँ अभी हम लोग को खड़ी सड़क करना बाकी है, अभी ये कर देंगे फटाफट, ऊपर भी, हाँ ऊपर भी कर देंगे फटाफट, कुछ नहीं हो जाएगा। घर की सफाई होने के बाद हम आ चुके हैं नमाज के बाद, कहाँ है आशीर्वाद, प्लास्टिक बजा, ये सब क्यों ले रहे हो, अच्छा अफ्तारी के लिए, ओह तो ये आलू वालू बनाएंगे, कचालू वचालू चना वना के लिए, ये आसिफा यहाँ देखो, तो अभी सामान ढूंढ रहे आसिफा, कुछ ढूंढ रही है, और शहरी तक हमें जागेंगे, क्योंकि हमें पूरा सेटअप करना है, और थोड़ा सा सेटअप बचा हुआ है, तो अभी मैं फ्री हो गया हूँ, और अभी थोड़ा सा जो कलर छूटा हुआ था कलर ही मारना है, और आसिफा ढूंढ रही कुछ, मैडम को देखो क्या लेने होने जा रहा है, ये कहाँ रखेंगे सर पे, खाना बनाने के लिए आ जाएगा वहाँ पे, जो कहाँ रखोगे, किचन पे रखूंगी, देखो तुम कैसा, अच्छा सर पे, ठीक है ठीक है, और यहाँ प्लास्टिक बता रहे, अपने भाई की दुकान पे बहुत सी चीजें आई है रमजान के लिए, है ना, मस्त मस्त आई है, देखो यहाँ पे स्पून्स रखे हुए, और एक से एक चीज आई है, हाँ यार प्लेट व्लेट लगाने के लिए भी, हाँ तो तुम ढूंढ रहे थे ना, ले लो ना, ले लो, फिर लगा देने का, पर रखेंगे कहाँ, बहुत छोटा ही थोड़ा लग रहा, रखेंगे किधर ये बताओ, किधर मतलब रखेंगे कहाँ, सुबह हो गया ले लिए, और आ गए अपने हफीज भाई प्लास्टिक बाजार से, और मतलब वालेकुम सलाम, और खैरियत भाई,
आपको रमजान मुबारक, आपको भी और सबको 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 बहुत बहुत मुबारक आप सबको। हम लोग आए थे कुछ लेने पर ले लिए, क्या क्या ले लिए समझ नहीं आ रहा, बहुत कुछ ले लिए। देखो तो ये सब रमजान की चीजें हैं, मतलब काम आएंगे बहुत अच्छी चीजें, और बहुत से अच्छे अच्छे सामान भी आए हैं। देखो तो आइए लीजिए प्लास्टिक बदल। हाँ हाँ वही तो, वही तो यही बात होती है कि देखो है नहीं जगह लेकिन लेना है। अब वो पानी का जो टम्बलर लिए ना, अब वो कहाँ रखेंगे उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा। अरे भाई मुझे एक चीज़ चाहिए, अगर आपके पास अगर मिल जाए तो मंगा लेना, है कि नहीं आतिफा? वो माइक्रोवेन का स्टैंड आता ना, ओवन का स्टैंड, वो कांच वाला ही तो यार ये देख पे तो देख के दिल आ गया यार। आतिफा जिस दिन खुद का घर लूँगा ना ये जरूर लूँगा, लोगों को पानी पिलाऊंगा। नहीं पर मैं पानी पिलाऊंगा, बहुत मस्त गिलास। तो मैं जिस दिन खुद का घर लूंगा तो ये देखो इसका ये जग है, और जिनका खुद का घर है वो आके लेके जाइए। मस्त, कितना अच्छा लग रहा है, चलो डन डन, चलो फटाफट अभी जाके सेटअप करना है। ए मेरे जानू यहाँ पे लगा रहे हैं माशाल्लाह, मैंने बर्तन वर्तन सब धो दिया फटाफट, इतना सारा बर्तन, बाप रे अब ये सब गंदा कचरा पड़ा है सब लग जाए फिर उसके बाद में क्लीन करती हूँ। तो डैडी धो रहे हैं कांच और मम्मी फ्रिज को मम्मा सेट कर दी है। डैडी यस पूरा हो गया सफाई, थोड़ा सा बचा है बस फ्रिज का कांच बचा है, और वहाँ पे वो भी लग गया है, और देखो ऊपर, और ये देखो यहाँ पे मक्का मदीना भी लगा दिया तेरे का तेरे मदीना। देखिए गाइस हमने जो ये लिए थे मस्त अच्छा लग रहा है, सेटअप हो गया है ना मेरे घड़ी के अंदर, जब सुबह के 12:30 हो रहे तो उसके 7 बज रहा है। हाँ और ये सेटअप हो चुका है, इधर भी सेटअप हो गया है, और अभी सुबह इतना कचरा हो गया, 1 बज रहे तो देखो कितना बज रहा है, 11 क्या बोलते आशीर्वाद थक गए थोड़ा मेरे को। फाइनली पूरा साफ हो चुका है घर, ये देखो बस ये जो चीज़ पड़ा है अभी बिछाने के लिए है ना, और मेरे को देखो खेल रहा रात को, और पूरी सफाई हो चुकी है, ये देखो ये भी खाली हो गया माशाल्लाह, और ये भी दो चीज़ लग गई है, ये कलर बाद में मारूंगा क्योंकि ब्रश नहीं मिला, ब्रश लाने के लिए गया था ब्रश नहीं था इसी वजह से, और ये भी सेट हो गया यहाँ पे है ना, और आशीर्वाद अभी तक कर रही है, आशीर्वाद ख़त्म करो बच्चा चलो और बॉटल नहीं रहेगी, इस सब चीज हटा के इसको यही खड़े में धोऊंगी नीचे रख। हाँ, अब वाइपर उससे वाइपर से ज्यादा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक बग्गे में हो जाएगा ये पूरा। हाँ तो वही घस के धो दूंगी, हाँ हो जाएगा बस। अब ये बॉटल सब अंदर चली जाएगी कल, खाली ये रहेगा बाहर, साफ पानी भरेंगे तब। ये रहा फ्रिज, ये देखो मस्त चकाचक एकदम है ना, हाँ ये फ्रिज हो गया है, और ये देखो ये भी हो गया पूरा मस्त एकदम चकाचक हो गया। चलो तो यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है, सब सेटअप सेटअप डन डन उमेर, चलो अब लेटो आराम करो। और ये डीमार्ट का खाली आटा है, ये आटा कल भरेंगे, कल भरेंगे अभी भरेंगे कल आटा अभी भरेंगे ना, देखती हूं। क्योंकि सुबह सहरी के लिए, चलो जल्दी आ जाओ, माशाल्लाह कल पहली सहरी है, बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है कि खुशी हो रही है। चलो नजदीक नहीं दिखेगा तो मैं दिखा दूंगी। तो यार पूरा काम फाइनली खत्म हो चुका है, और बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी चेहरा थोड़ा क्लीन लग रहा है, 2 दिन बाद आज मैंने फेस वॉश किया है, सिर्फ हम लोगों को पानी से धोने की इजाजत थी, ना साबुन ना कुछ, नहा धो तो ली थी कल रात को, कल ऐसे काम के बाद में सर्वर तो धो लिया था लेकिन फेस नहीं कर पाए, फेस वॉश नहीं कर सकते, आज करी थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। हम सैरी में ठीक है गाइस, आप उठोगे ना, मैं तो अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, ऐसा लग रहा मैंने चेहरा रखा हुआ, ये मजा चेहरा रखे हो, चेहरे पे भी कोई चेहरा रखता है क्या,
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर अपना प्यार भी बनाए रखो। और चांद रात आप लोगों को मुबारक हो, रमजान कल से पहला सहरी है, आप सभी को मिलेंगे आपको सहरी में। दिन में सोऊंगी, मैं सोना चाहती हूं। दिन में तो आराम तो है, दिन में और क्या बात है। बहुत कमर दर्द हो रही है और पैर दुख रहा है, पता नहीं कमरिया कोई नहीं। अभी जा रही हूँ, पहले मस्त आटा वाटा गून के रखूंगी ताकि सुबह ताजी ताजी रोटी में सोचा। पता नहीं कमरिया बोल रहा है, बोलना चाहिए रमजान मुबारक, बोलना चाहिए ना, मार खाने की इसको और कुछ नहीं। अभी बेटा बस 11 तारीख तक, 11 के बाद जाना है। 4 बजे उठने हैं, 4 बजे क्यों? 4 बजे उठेंगे तभी तो खाना बनेगा ना। सही सोच रही, अभी बना दूंगी। हाँ बना के रख दो। अरे सुबह ठीक है, चलिए मिलते हैं आटा गूंथ के रख दूंगी, इतना क्या टेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें और अपना प्यार भी बनाए रखो। तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापस है, चिंगम खाओ चबाके, जब तक आप लोगों का पहला रोजा चलता चल रहा होगा, है कि नहीं, जरूर बताना पहला रोजा आपका कैसा चल रहा है 3 बजे। मैं भी रखूंगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।